नीट की परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई में जिस तरह गुजरात से 5 लोगों को पकड़ा गया उसे लेकर नीट की पढ़ाई कर रहे प्रयागराज के छात्रों में थोड़ी खुशी आई है। भारत एक्सप्रेस के संवाददाता राजकुमार ने छात्रों से बात की। नीट परीक्षा के धांधली के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जिस तरह आज गुजरात में 5 लोगों को पकड़ा गया है उसमें यहाँ पे नीट की तैयारी कर रहे बच्चों में बहुत खुशी है। कितनी खुशी है बेटा? आज हम लोगों को बहुत खुशी है कि जो ये नीट के एंटी एग्जाम्स के द्वारा जो हम पेपर लीक हुआ था उसमें लोगों को जो जितने लोगों का हाथ था उन्हें पकड़ा गया है। इससे भी हमारा कुछ दिनों पहले बहुत मोरल डाउन हो गया था कि ये हम इतनी प्रिपरेशन करते हैं, 1 साल की 2 साल की मेहनत होती है हमारी और इसे ऐसे कर दिया जा रहा है, लेकिन अब जब पता चला है कि उन्हें पकड़ा गया तो हमारा हम बहुत मोटिवेट हो रहे हैं कि हम और आगे अच्छे से परीक्षा दें और हम सब सफल हों एक साथ। ऐसे बहुत सारी परीक्षा हैं जिसमें ये सारी चीज़ें हो जाती है, सब गड़बड़ हो जाता है, कहीं जो है पेपर लीक हो जाता है, तो उन सब में भी ये होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हम नहीं सारे बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ते हैं और ये ज़रूरी नहीं कि सबका सिलेक्शन हो, लेकिन मेहनत सबकी एक समान ही होती है। तो ये जो पेपर लीक है इसे बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। सिर्फ कुछ पैसों या कुछ के लिए जो ये लोग करते हैं ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ पैसों के लिए बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होता है और छात्राओं के साथ बहुत खिलवाड़ होता है और इनकी ज़िंदगी और इनके घर वाले भी इनको पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। एक बच्चा है हमारे पास, ये बताइए कि क्या हुआ, आप लोग सही हुआ है अभी? नहीं, ये सही नहीं हुआ क्योंकि अभी हमारे देखते हैं कि मतलब बार बार परीक्षा लीक हो जा रही है। अभी यूपी पुलिस की भी हुई थी अभी परीक्षा लीक, ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत मतलब ख़राब है। बच्चों की ज़िंदगी के साथ अन्याय हो रहा है। भविष्य में बहुत बड़ी समस्या बन सकती है पेपर लीक और ये जो धांधलियाँ होती है इसको लेके नीट की परीक्षा में जिस तरह से हुआ है, लेकिन पेपर में पारदर्शिता भी होनी चाहिए, ये सब बच्चों ने कहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ राजकुमार, भारत एक्सप्रेस प्रयागराज।